नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं देश और दुनिया के बाजार पर न्यूज प्लस 21 का एक्सक्लूसिव बुलेटिन बाजार हलचल। फेडरल बैंक का पहला तिमाही में मुनाफा 64% बढ़कर 600.66 करोड़ रुपए पर। 18 जुलाई से होटल पर भी लगेगा 12% का जीएसटी, बढ़ जाएगा आपके घूमने का बजट। 4 दिनों की लगातार गिरावट पर लगा ब्रेक, 344 अंक उछला सेंसेक्स और निवेशक हुए 1.3 लाख करोड़ से मालामाल। ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से ज्वेलरी एक्सपोर्ट की कुरियर सर्विस को लेकर सरकार ने जारी किया नया SOP। बिल गेट्स दुनिया के अमीरों में नहीं चाहते नाम, इसके लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए करेंगे दान। महाराष्ट्र में पेट्रोल 5 रुपए सस्ता, राज्य सरकार ने वैट में कटौती की, डीजल भी 3 रुपए कम हुआ। विदेशी निवेशक शुरू कर सकते हैं खरीदारी, बीते 3 हफ्तों में आधी की बिकवाली, इसके घटने से निफ्टी 5% तक चढ़ा। अडानी का हुआ इसराइल का दूसरा बड़ा पोर्ट, ग्रुप ने गेडोट के साथ मिलकर 94 अरब की बिड जीती, अगले 32 साल तक करेंगे ऑपरेट। अमेरिका में मंदी की आहट, बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फेड 1% तक बढ़ा सकता है ब्याज दरें, इकोनॉमी पर पड़ेगा असर। बिरला सॉफ्ट का शेयर 2 दिन में 11% कमजोर, बायबैक और डिविडेंड के लिए एक्स डेट होने से बढ़ा दबाव। ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।